गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 11 अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 11 अशुद्धियाँ स्टार्ट करेंगे। अशुद्धियाँ आप जानते हो ना, मतलब हम जब हिंदी बोलते हैं तो हम बहुत सारे गलत उच्चारण करते हैं। बहुत सारे कैसे उच्चारण करते हैं? गलत उच्चारण करते हैं, मतलब शब्दों को गलत बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अशुद्धियां बोलते हैं, क्योंकि हम उनका गलत उच्चारण करते हैं, हम उनको गलत बोलते हैं, इसीलिए हम उनको गलत लिखते भी हैं। तो उच्चारण गलत करना और उसको गलत लिखना, ये क्या कहलाता है? अशुद्धियां कहलाता है। ओके, अगर आप किसी शब्द को गलत बोल रहे हैं, मतलब अशुद्ध बोल रहे हैं, तो आप उसको लिख भी तो गलत रहे हैं, तो ये सब क्या है? अशुद्धियां हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाषा बोलते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण ना करना। भाषा को बोलते समय शब्दों का सही उच्चारण ना करना, मतलब शुद्ध उच्चारण ना करना अशुद्धि का प्रमुख कारण है। क्या? अगर हम भाषा को बोलते समय शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, वो अशुद्धि का प्रमुख कारण है। समझ आया आपको? भाषा बोलते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण ना करना अशुद्धि का प्रमुख कारण है। हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं और वैसा ही लिखते हैं। अगर हम किसी शब्द का उच्चारण गलत कर रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे भी गलत। समझ आया आपको? चलिए आगे देखिए। वाक्य बोलते समय लिंग, वचन, कारक, क्रिया और सर्वनाम के सही प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उस वाक्य को बोलते समय हमें उसमें लिंग, वचन, कारक, क्रिया और सर्वनाम का प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई शब्द गलत तरीके से ना बोलते। ओके, और शब्दों की वर्तनी का सही उच्चारण करना चाहिए। और जो भी आप शब्द लिख रहे हो उसकी वर्तनी का सही उच्चारण करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं आगे। निम्न चित्रों तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों पर विचार कीजिए। निम्न चित्रों तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों पर विचार कीजिए, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं और उनके नीचे वाक्य भी लिखे हैं। आपको उनको देखना है और बताना है कि वो वाक्य सही हैं या फिर गलत हैं, मतलब शुद्ध हैं या फिर अशुद्ध हैं। ओके, राजन को काट कर तरबूज खिलाओ। निधि को गर्म करके दूध पिलाओ। राजन को काट कर तरबूज खिलाओ। ये मम्मी है, ये बहन है और ये राजन है। तो बहन जो है वो मम्मी से क्या कह रही है कि राजन को काट कर तरबूज खिलाओ। ठीक है, और यहाँ पर मम्मी, पापा और बेटी खड़े हैं। तो ये निधि है, जिसका नाम क्या है? निधि। तो पिताजी जो है वो उसकी निधि की माताजी से बोल रहे हैं कि निधि को गर्म करके दूध पिलाओ। अब आप बताइए, हम कभी ऐसे बोलते हैं कि निधि को गर्म करके दूध पिलाओ? हम कैसे बोलते हैं? निधि को दूध गर्म करके पिलाओ या फिर राजन को तरबूज काट कर खिलाओ। ठीक है, पहले तरबूज को काटो, पहले बताओ क्या होगा? तरबूज लोगे, फिर काट कर फिर उसे खिलाओगे ना। ऐसे दूध को गर्म करके पिलाओगे ना, गर्म करके दूध पिलाओगे नहीं ना। तो राजन को काट कर तरबूज खिलाओ, राजन को काट कर तरबूज खिलाओ, निधि को गर्म करके दूध पिलाओ। आपको पढ़ने से पता चलता है कि ये वाक्य गलत लिखे हैं। ये वाक्य कैसे लिखे हैं बच्चों? गलत ढंग से लिखे हुए हैं। ठीक है, गलत तरीके से लिखे हुए हैं। ये वाक्य शुद्ध रूप से इस प्रकार लिखे जाएंगे। इन वाक्यों का शुद्ध रूप क्या होगा देखिए। राजन को तरबूज काट कर खिलाओ। राजन को तरबूज काट कर खिलाओ, काट कर तरबूज नहीं खिलाना है।
तरबूज काट कर खिलाना है, ठीक है। राजन को तरबूज काट कर खिलाओ। अब सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, निधि को दूध गर्म करके पिलाओ। गर्म दूध करके नहीं पिलाना, दूध गर्म करके पिलाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा उलट फेर करने से क्या होता है, जो आपके शब्द होते हैं अप एंड डाउन करने से, वो वाक्य जो होता है वो शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है। जैसे आपने देखा कि राजन को काट कर तरबूज खिलाओ, अशुद्ध वाक्य था। बात कैसी थी, वाक्य को कैसा कर दिया था उसने, अशुद्ध कर दिया था। और शुद्ध हमने इसको किस तरीके से किया कि राजन को तरबूज काट कर खिलाओ। ऐसे ही निधि को गर्म करके दूध पिलाओ, ये कैसा वाक्य था, अशुद्ध वाक्य था। अब हमने इसको शुद्ध कैसे किया, बताइए कैसे शुद्ध किया था इसको, निधि को दूध गर्म करके पिलाओ। ओके चलिए, तो बच्चों आपको समझ में आया कि राजन को तरबूज काट कर खिलाओ, निधि को दूध गर्म करके पिलाओ, ये वाक्य सही है। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्धियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, मतलब हम बोलते या लिखते समय दो प्रकार से गलतियां कर सकते हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां मतलब शब्दों को लिखने में जो गलतियां करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। अब सेकंड क्या होती है, वाक्य संबंधी अशुद्धियां, जो हम वाक्यों में लिखते समय गलती करते हैं, तो वो वाक्य संबंधी अशुद्धियां हो गई। और जब हम किसी शब्द को लिखने में गलती करते हैं, अशुद्ध लिखते हैं उस शब्द को, तो वो हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो गई। चलिए तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। चलिए देखते हैं, वर्तनी संबंधी प्रमुख अशुद्धियां निम्नलिखित हो सकती हैं। वर्तनी संबंधी प्रमुख अशुद्धियां निम्नलिखित हो सकती हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए, वर्तनी संबंधी प्रमुख अशुद्धियां निम्नलिखित हो सकती हैं, जैसे स्मरण, स्मरण, ये हो गया स्मरण, होता क्या है स्मरण, क्या होता है यहां पर क्या लिखा है स्मरण, होता क्या है स्मरण, तो ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। ऐसे ही चलिए एक और जो सेकंड वर्ड है उसको देखते हैं, अशुद्ध वर्ड जो है वो है बुद्धिवान, क्या है बुद्धिवान। पर हम कभी भी, बहुत सारे लोग हैं बोल देते हैं वो तो बड़ा बुद्धिमान है, पर बुद्धिमान नहीं होता, क्या होता है बच्चों, बुद्धिमान, क्या होता है बुद्धिमान, वान नहीं होता, क्या होता है मान। तो बुद्धिमान अशुद्ध शब्द है, बुद्धिमान शुद्ध शब्द है। ओके बुद्धिमान कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। चलिए कुछ और अशुद्ध और उनको शुद्ध, कुछ और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो थर्ड नंबर पर लिखा है जो अशुद्ध शब्द है हमारा, वो क्या है कल्याण, क्या है बच्चों अशुद्ध शब्द कल्याण। पर हम इसको कल्याण नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं कल्याण, क्या बोलते हैं बच्चों कल्याण। तो कल्याण अशुद्ध शब्द है और इसका क्या शुद्ध शब्द होगा कल्याण, क्या होगा बच्चों कल्याण, क्योंकि अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे, तो इसीलिए आप इसको सही से बोलिए, क्या बोलते हैं हम इसको कल्याण। तो कल्याण का शुद्ध शब्द क्या हुआ कल्याण। चलिए अगला देखिए, मार्ग, मार्ग, मार्ग अशुद्ध वर्ड है, शुद्ध वर्ड क्या होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है मार्ग। आपको पता है जब ये रा रेफ की मात्रा जो होती है वो जो भी शब्द हो, जिस शब्द पर लगी होती है उससे पहले बोली जाती है, पर बिल्कुल एकदम मार्ग ऐसे नहीं बोली जाती, मार्ग, मार्ग। तो ये शब्द, ये मार्ग जो है ये अशुद्ध वर्ड है और मार्ग सही शब्द है, मार्ग अशुद्ध शब्द है और मार्ग सही शब्द है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है नारे, नारी अशुद्ध वर्ड है, अशुद्ध शब्द है और नारी शुद्ध शब्द है, नारी शुद्ध शब्द है, नारी अशुद्ध शब्द है और नारी शुद्ध शब्द है। चलिए उसके बाद अगला देखिए, तो सिक्स नंबर पर है पत्नी, तो पत्नी अशुद्ध लिखा हुआ है, पत्नी शुद्ध शब्द है,
पत्नी, अशुद्ध वर्ड अशुद्ध शब्द हुआ और पत्नी शुद्ध शब्द हुआ। उसके बाद जो अगला शब्द है सेवेंथ नंबर पर वो है मृत्यु। क्या है? तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मृत्यु। ऐसे तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मृत्यु। क्या बोलते हैं? मृत्यु। तो मृत्यु किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से या इस तरीके से? मृत्यु अशुद्ध और मृत्यु शुद्ध। तो मृत्यु अशुद्ध शब्द हुआ और मृत्यु शुद्ध शब्द हुआ। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य, तो इसमें कौन सा सा बनता है बताइए मुझे, शलगम वाला। तो क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य, ओके। क्या होता है? आश्चर्य। यहां पर आश्चर्य और यहां पर आश्चर्य। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है उसको देखते हैं, परिश्रम। परिश्रम, तो होता क्या है? परिश्रम। शुद्ध शब्द क्या है? परिश्रम। परिश्रम का शुद्ध शब्द क्या होता है बच्चों? परिश्रम। तो परिश्रम अशुद्ध शब्द है और परिश्रम शुद्ध शब्द है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है प्रेमेश्वर। प्रेमेश्वर होता है? नहीं, परमेश्वर। तो प्रेमेश्वर कैसा शब्द है बच्चों? गलत शब्द है, मतलब अशुद्ध शब्द है, और परमेश्वर शुद्ध शब्द है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए 11 नंबर पर, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ऐसे होता है? नहीं, स्वास्थ्य क्या होता है बच्चों? स्वास्थ्य। यहां क्या था? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ऐसे तो नहीं बोलते हम, कैसे बोलते हैं? स्वास्थ्य। तो यहां पर ये शब्द कैसा था? अशुद्ध था। स्वास्थ्य अशुद्ध वर्ड था, अशुद्ध शब्द था, और स्वास्थ्य शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है 12 नंबर पर जो शब्द है वो है पृष्ठ। तो पृष्ठ होता है, पृष्ठ का मतलब आप जानते हो क्या होता है? पेज। पृष्ठ का मतलब होता है पेज। तो पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है। क्या होता है? पृष्ठ। क्या होता है बच्चों? पृष्ठ। पृष्ठ नहीं होता, क्या होता है? पृष्ठ। ठीक है, पेज। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला है परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा होता है? नहीं, परीक्षा होता है। क्या होता है? परीक्षा। अशुद्ध में क्या लिखा है उन्होंने बताइए? परीक्षा। तो परीक्षा नहीं होता, क्या होता है? परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा। ये हमेशा बच्चे गलत लिखते हैं, इस पर हमेशा छोटी की मात्रा लगा देते हैं। तो परीक्षा कैसा शब्द हुआ? अशुद्ध। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? परीक्षा। उसके बाद अगला देखिए, तो 14 नंबर पर है साम्राज्य। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं साम्राज्य, ये इसका साम्राज्य है, ये इसका साम्राज्य है, पर साम्राज्य नहीं होता। क्या होता है बच्चों? साम्राज्य। क्या होता है? साम्राज्य। तो साम्राज्य अशुद्ध शब्द हुआ और साम्राज्य शुद्ध शब्द हुआ। साम्राज्य का शुद्ध वर्ड, शुद्ध शब्द क्या हुआ बच्चों? साम्राज्य। साम्राज्य का शुद्ध शब्द क्या हुआ? साम्राज्य। ठीक है, आगे से याद रखिएगा, कभी भी साम्राज्य नहीं बोलना है, साम्राज्य बोलना है। ओके, चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला लिखा है नष्ट। नष्ट होता कैसे है? नष्ट लिखते कैसे हैं? नष्ट। उसके बाद अगला है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। तो इसको हम पुल्लिंग नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं पुल्लिंग। बहुत सारे बच्चे इसको पुल्लिंग बोलते हैं, पर इसको पुल्लिंग नहीं बोलते बच्चों। क्या बोलते हैं इसको हम? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध शब्द है। किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से, पुल्लिंग। ओके, अगर आप सही ढंग से बोलोगे तो आप सही ढंग से लिख पाओगे। जैसे आप पुल्लिंग बोलते हो तो आप इस तरीके से लिख देते हो, पर हमें क्या बोलना होता है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग बोलोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे। ओके, तो पुल्लिंग अशुद्ध शब्द है और पुल्लिंग शुद्ध शब्द है। चलिए उसके बाद अगला क्या है? सृष्टि। सृष्टि, सृष्टि होता है? नहीं, सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है जगत, सृष्टि। ठीक है, तो सृष्टि नहीं होता, सृष्टि अशुद्ध शब्द है, सृष्टि शुद्ध शब्द है। सृष्टि कैसा शब्द है बच्चों? शुद्ध शब्द है। भाषा,
भाषा, भाषा क्या है? अशुद्ध शब्द है। भाषा शुद्ध शब्द है, भाषा है ना, भाषा शुद्ध शब्द है और भाषा, भाषा अशुद्ध शब्द है, भाषा अशुद्ध शब्द है, भाषा शुद्ध शब्द है। ओके चलिए उसके बाद अगला देखिए, पुष्प, पुष्प कैसा शब्द है? अशुद्ध। और पुष्प शुद्ध शब्द है। उसके बाद अगला है निश्चित, तो निश्चित इस तरीके से नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं? निश्चित, ठीक है। तो बच्चों आपको अशुद्ध शब्दों को शुद्ध शब्द लिखना आया कि हम अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द कैसे लिख सकते हैं? अगर आप उनको सही ढंग से बोलेंगे, शुद्ध तरीके से बोलेंगे, तो आप उनका उच्चारण शुद्ध करेंगे तो आप उनको शुद्ध ही लिखेंगे। अगर आप उनका उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो आप उसको अशुद्ध ही लिखेंगे। तो कोशिश करा करिए, कोशिश किया करिए कि आप किसी भी शब्द को अशुद्ध ना बोलें। अगर आप उसको अशुद्ध नहीं बोलेंगे तो आप उसको अशुद्ध लिखेंगे भी नहीं। ओके तो बच्चों आपको आज होमवर्क में 1 to 20 शुद्ध और अशुद्ध शब्द लिखने हैं। आज आपको होमवर्क में क्या करना है? अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध शब्द लिखने हैं। ओके बताइए आज होमवर्क में क्या करोगे? आज आप 1 to 20 अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध शब्द लिखेंगे। ओके चलिए, गुड बाय।